मुजफ्फरपुर में एक बार फिर रेल हादसा देखने को मिला है, जिसके बाद रेल अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। आपको बताते चले कि मामला शनिवार की देर रात का है, जब मुजफ्फरपुर पुणे एक्सप्रेस ट्रेन के जो बोगी थी उसको सेंटिंग के लिए रेल इंजन जो है वह लेके जा रही थी। इसी दौरान रेल इंजन की 6 चक्का जो है वह बेपटरी हो गई, जिसके बाद अधिकारियों के बीच अफरा तफरी की स्थिति मच गई। आपको बता दें कि अभी हाल ही के दिनों में मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड के नारायणपुर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित रेल फाटक संख्या 98 के समीप मालगाड़ी की 6 बोगी बेपटरी हो गई थी, जिसके बाद आनंद फानंद ने कार में लापरवाही बरतने को लेकर तकरीबन आधा दर्जन अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही निलंबन की कार्रवाई चल रही है। इसी बीच एक बार फिर मुजफ्फरपुर में रेल हादसा देखने को मिला है, जहां मुजफ्फरपुर पुणे एक्सप्रेस ट्रेन का शनिवार की देर रात जो उसकी बोगी थी उसको प्लेसमेंट के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान इंजन जो है सेंटिंग के दौरान इंजन के 6 चक्का जो है वह बेपटरी हो गई, जिसके बाद अधिकारियों के बीच अफरा तफरी मच गई। मौके पर तमाम जो अधिकारी थे वह पहुंचे, जिसके बाद पूरे मामले की सूचना सोनपुर डिवीजन के वरीय अधिकारियों को दी गई। वही सूचना प्राप्त होते ही आनंद फानंद में उस इंजन को दुरुस्त कर फिर सुचारू रूप से आवागमन को चालू करवाया गया। लेकिन आपको बता दें कि अगर यही हादसा ट्रेन खुलने के बाद होती तो फिर एक बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं आपको बता दें कि स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है, जब मुजफ्फरपुर पुणे एक्सप्रेस ट्रेन का बोगी जो है उसको सेंटिंग के लिए लाया जा रहा था, प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा था, तभी यह घटना हुई है, हादसा हुई है, जिसके बाद अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गई है। आनंद फानंद में पूरे मामले की सूचना सोनपुर डिवीजन को दिया गया, जिसके बाद वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आनंद फानंद में उस इंजन के चक्के को ठीक कर और फिर पूरे आवागमन को जो है सुचारू रूप से चालू किया गया। लेकिन आपको बता दें कि एक के बाद एक हादसे के बाद रेलवे के कार्यशैली को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि अभी एक हफ्ते के अंदर यह दूसरी घटना है। इससे पहले मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड के नारायणपुर रेलवे स्टेशन के समीप गेट संख्या 58 के पास मालगाड़ी को नारायणपुर रैक पॉइंट में प्लेसमेंट के दौरान जो है वह 6 बोगी जो है बेपटरी हो गई थी, जिसके बाद आनंद फानंद में तमाम वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, मामले की जांच की थी और कार में लापरवाही बरतने को लेकर कई अधिकारियों से अभी पूछताछ चल रही थी। इसी बीच शनिवार की देर रात एक बार फिर से मुजफ्फरपुर पुणे एक्सप्रेस ट्रेन का बोगी जो है उसको प्लेसमेंट के लिए ले जाया जा रहा था, जिसका इंजन बेपटरी हो गया है, जिसके बाद अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में उस इंजन को सही कर फिर आवागमन को सुचारू रूप से चालू करवा लिया गया है। लेकिन अगर यह ट्रेन खुलने के बाद हादसा होता तो एक बार फिर बड़ा हादसा हो सकता था। तो रेलवे को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, एक के बाद एक देश में ट्रेन हादसा देखा जा रहा है, बावजूद इसके रेल कर्मी जो है वह सबक लेने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। न्यूज फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।